अस्सलामुअलैकुम। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वेज स्प्रिंग रोल। सो वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें सब में पहले नूडल्स को बना के रेडी कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने 2 ग्लास पानी डाले हैं और उसमें नमक टेस्ट अनुसार डाल के अभी मैं इसे बॉईल आने दूँगी और हल्का सा तेल डालूँगी और इसे बॉईल आने का हम वेट करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा हमें इसमें नूडल्स ऐड करने हैं। हमें डायरेक्ट अक्खे नूडल्स नहीं ऐड करने, उसे हाथ से मैश कर लेना है थोड़ा थोड़ा, फिर हमें उसे ऐड करना है। अभी मैं इसे स्टेयर कर लूँगी और इसे भी 2-3 मिनट बॉईल आने तक के अच्छा इसे भी कुक करके ले लेना है। सो यहाँ मेरे नूडल्स 85% कुक हो चुके हैं। अभी मैं इसे एक छन्नी की मदद से इसका सारा पानी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं, स्प्रिंग ऑनियन के ऑनियन को भी मैंने लिया है, कॉर्न, गाजर, शिमला, कैबेज, ग्रीन चिली और ये मेरे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ऑनियन नहीं डाल रही बिकॉज मैं स्प्रिंग ऑनियन का ऑनियन डालने वाली हूँ, इसलिए मैं सादा ऑनियन नहीं डाल रही। सो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। हमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है, फिर वो हमारी नूडल्स एकदम ऑयली ऑयली लगेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी इसे ऑयल में भी फ्राई करना है। तो यहाँ पे जितना कम हो सके मैं उतना कम ऑयल यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें ऑनियन डाल रही हूँ पहले, जो वेजिटेबल्स एकदम सख्त है, जो जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगे, मैं पहले वो डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। देन गाजर, कैबेज, ग्रीन चिली, स्टेयर इट। अभी हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1-2 मिनट हमें इसे ऐसे ही कुक करना है। दो मिनट हो गए हैं, अभी हमें इसे अच्छे से स्टेयर कर लेना है। देन अभी हमने जो शिमला बचा था हमारा, शिमला हमें ऐड करना है। शिमला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टेयर कर लेना है। देन यहाँ पे हम चाइनीज सॉस ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ सब में पहले डार्क सॉस ले रही हूँ 1 चम्मच, रेड चिल्ली सॉस ले रही हूँ 1.5 चम्मच, 1 चम्मच और थोड़ा ज़्यादा, और ये विनेगर ले रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच। अब मैं सिजवान चटनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल सिजवान चटनी 2.5 चम्मच लिया है और 1 चम्मच टमाटो सॉस। लास्ट में जो हमारा कॉर्न बचा था, अब मैं इसे इस स्टेज पे कॉर्न ऐड करूँगी एंड स्टेयर इट वेल। तो अब हम इसमें टेस्ट अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड करना है बिकॉज हमने नूडल्स को बॉईल करने के टाइम पे भी नमक डाला हुआ है, तो नमक ज़्यादा ना हो। और अब मैं यहाँ पे चाउमीन का नूडल्स मसाला लूँगी
उसे भी ऐड करूंगी। एक बड़ा टेबल स्पून मैंने ये लिया है। या आप डायरेक्ट हाफ पैकेट इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टर इट, मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से और थोड़ा सा कुक कर लेना है, जो कि हमारे मसाले थे जो भी उसका कच्चापन थोड़ा उसका फ्लेवर आने तक के हमें थोड़ा कुक करना है 1-2 मिनट। देन मैं इसमें मेयोनीज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेयोनीज ऐड किया है। ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, अगर स्पाइसनेस या थोड़ा सा स्पाइसी भी हो गया रहेगा तो मेयोनीज और टमाटो सॉस से थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। और अब मैं इसमें नूडल्स को ऐड करूँगी और अभी हमें अच्छे से मसालों में नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे नूडल्स में अच्छे से मसाला लगे। फिर इसे थोड़ा कुक कर लेना है। लास्ट में हमें इसमें स्प्रिंग ऑनियन जो हमने लिया था उसे ऐड करना है। इसे थोड़ा हल्का सा हमें स्टेयर कर लेना है, बहुत ज़्यादा रफली हमें स्टेयर नहीं करना है, नहीं तो हमारे नूडल्स और टूटने लगेंगे। ये हमारे नूडल्स बनके रेडी हो गए हैं। अभी हम इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे रोल में भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटर मैदे का पानी में ऐड करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में इसका बैटर तैयार किया है, उसमें नमक और चिली फ्लेक्स डाला है। और अब मैं ये रेडीमेड पट्टी लिया है मैंने रोल की, मैं इसमें नूडल्स हमारे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है और इसे मैं थोड़ा सा फैला लूँगी हाथ की मदद से। देन वो मैदे का बैटर लगा के हमें इसका रोल बना लेना है। सो मैं ये उंगली की मदद से लगा रही हूँ। सो यहाँ मैंने बैटर को अच्छे तरीके से लगा लिया है पट्टी पे, अब मैं इसे रोल करूँगी। तो सब में पहले मैंने इसे साइड से फोल्ड किया है, दोनों साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। देन जो हमारी अपर साइड है फिर हमें उसे वहाँ से फोल्ड करना है। बिल्कुल ऐसे। फिर मैदे का मिक्सर हमें लगाना है जो हमने बनाया था, ताकि वो रोल हमारे अच्छे से चिपक जाए, ऑयल में हमारे रोल खुले नहीं। सो ये मेरा स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया है। अब मुझे ऐसे ही सारे हमें तैयार कर लेना है। अगर आपको कहीं से ऐसा लगे कि खुलेगा या कुछ, तो आप वो बैटर लगा के इसे बंद कर सकते हैं। सो अभी हम सारे हमारे स्प्रिंग रोल ऐसे ही तैयार कर लेंगे।
हाँ, हमारे सारे स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसे एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके अभी हमें इसे फ्राई कर लेना है। सो यहाँ मैं तीन तीन करके फ्राई कर रही हूँ, आप चार, दो, एक, जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसे फ्राई कर सकते हैं। और बहुत ध्यान से हमें फ्राई करना है, हमारे रोल ऑयल में जाके टूटे नहीं, खुले नहीं, वरना हमारा पूरा तेल ख़राब हो सकता है, नूडल्स तेल में पूरे बाहर निकल जाएंगे। सो बहुत केयरफुली हमें करना है। सो हियर हमारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो चुके हैं और मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। पहले मैंने ऐसी प्लेटिंग की थी एम, फिर मुझे नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने चेंज कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई रहे कमेंट बॉक्स में जरूर।